अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सोशल स्टडी के चैप्टर 22 की मशक कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज ए है क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सन, सूरज क्या है। बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होगा। इसका आंसर द सन इज अ बिग स्टार। इसका आंसर है द सन इज अ बिग स्टार। क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज द अर्थ, जमीन क्या है। द अर्थ इज अ प्लेनेट, जमीन एक सियारा है। द अर्थ इज अ प्लेनेट, PLANET, प्लेनेट। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द सन, हम सूरज से क्या हासिल करते हैं। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, हम सूरज से रोशनी और गर्मी और रोशनी हासिल करते हैं। अराउंड, क्वेश्चन नंबर फोर है अराउंड विच द मून रिवॉल्व्स, चांद किसके गिर्द घूमता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, चांद जमीन के गिर्द घूमता है। REVOLVES, रिवॉल्व्स अराउंड, AROUND, अराउंड द अर्थ, EARTH, अर्थ। क्वेश्चन नंबर फाइव है हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन, कितने अरसे में जमीन अपना चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल करती है। तो बच्चों इसका आंसर है इन अ ईयर, एक साल में, इन अ ईयर, YEAR। अब आगे है एक्सरसाइज बी, फील इन द ब्लैंक्स, खाली जगह दी हुई है आपने इनको फील करना है। वी ऑल लिव ऑन द डैश, हम सब बच्चों हम सब किस पे रहते हैं, जमीन पे। तो क्या लिखेंगे, अर्थ, EARTH, अर्थ। आगे है अर्थ इज अ मेड ऑफ लैंड एंड डैश, अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड डैश, जमीन खुश्की और किससे बनी हुई है बच्चों, वाटर, WATER, वाटर। आगे है द सन इज वेरी डैश फ्रॉम द अर्थ, सूरज जमीन से बहुत क्या है बच्चों, फार, क्या आएगा, फार यानी दूर है, सूरज जमीन से बहुत दूर है। आगे है लाइफ इज नॉट डैश विदाउट द सन, जिंदगी सूरज के बगैर क्या है बच्चों, मुमकिन नहीं है, क्या आएगा, पॉसिबल, POS, पॉस SIBLE, पॉसिबल। आगे है मून इज डैश इन शेप, चांद शक्ल में क्या है बच्चों, राउंड गोल, यानी चांद शक्ल में गोल है, RUND, राउंड। आगे है टिक द ट्रू सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, आपने अब टिक क्रॉस करनी है। पहला है वाटर इज मोर देन लैंड ऑन द अर्थ, जमीन पर खुश्की से ज्यादा पानी है, तो बच्चों क्या होगा ये, टिक। आगे है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, बच्चों ये भी क्या है, टिक। आगे है वी सी द सन एट नाइट ऑन द स्काई, हम सूरज को रात के वक्त आसमान पर देखते हैं, बच्चों आप सूरज को दिन के वक्त आसमान पर देखते हैं, तो ये क्या होगा, क्रॉस। अब आगे है द मून हैज इट्स ऑन लाइट, चांद की अपनी रोशनी होती है, तो बच्चों ये भी क्या है, क्रॉस, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज से रोशनी हासिल करता है। अब आगे है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, चांद सूरज के गिर्द घूमता है, बच्चों ये भी क्या है, क्रॉस, चांद जमीन के गिर्द घूमता है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। आगे है सर्कल द राइट आंसर, वी ऑल लीव ऑन द, बच्चों आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही होगा आपने उसको सर्कल करना है। वी ऑल लीव ऑन द मून सन अर्थ, तो हम सब किस पे रहते हैं, अर्थ पे, जो सी है आपने इसको सर्कल करना है, अर्थ को। अब आगे है वाटर इज मोर देन डैश ऑन द अर्थ, लैंड हिल्स माउंटेन, जमीन पर खुश्की से ज्यादा पानी से ज्यादा क्या है, वाटर इज मोर देन, पानी ज्यादा है इससे ज्यादा, लैंड हिल्स माउंटेन, तो बच्चों क्या आएगा, ऑप्शन ए,
यानी लैंड खुश्की से ज्यादा पानी है। अब आगे है द सन इज अ डैश बॉल ऑफ हॉट गैसेस, सूरज एक बाल है, कौन सी बाल, कोल्ड बी फायरी, तो बच्चों क्या होगा ऑप्शन सी फायरी बाल है यानी आग का गोला है। वी गेट डैश एंड लाइट फ्रॉम द सन, हम सूरज से रोशनी और क्या हासिल करते हैं, तीन ऑप्शन आपको दिए हुए, हीट वाटर गैस, तो क्या आएगा बच्चों हीट, ऑप्शन ए हीट। अब इससे आगे है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द, चांद किसके गिर्द घूमता है, स्टार्स अर्थ स्काई, तो बच्चों ऑप्शन जो बी है इसको सर्कल करना है, अर्थ चांद जमीन के गिर्द घूमता है। अब आगे है राइट ई फॉर द थिंग्स ऑन अर्थ, बच्चों जो चीजें जमीन पर हैं आपको ये तस्वीरें दी हुई हैं और जो चीजें जमीन पर होती हैं उनके लिए आपने ई लिखना है यानी इसका मतलब है अर्थ, एंड एस फॉर थिंग्स ऑन स्काई, एस का मतलब जो आसमान पे है उनके लिए एस। अब माउंटेन पहाड़ बच्चों कहाँ पे होते हैं, आसमान पे या जमीन पे, तो अर्थ पे होते हैं ना, तो यहाँ पे लिखोगे ई। अब आगे है मून यानी चांद, चांद बच्चों कहाँ पे होता है, स्काई आसमान पे, यहाँ पे लिखोगे एस। अब ट्री, ट्री कहाँ पे होते हैं बच्चों, आसमान पे या जमीन पे, जमीन पे होते हैं यानी अर्थ, यहाँ पे ई लिखना है। अब स्टार्स, स्टार्स स्काई पे होते हैं, यहाँ पे एस लिखना है, तो ये घर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स कहाँ होती हैं बच्चों, अर्थ जमीन पे, सूरज कहाँ पे होता है बच्चों, आसमान पे, यहाँ पे लिखेंगे एस। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अपने अच्छी तरह तैयार करना है और क्वेश्चन आंसर नोटबुक पे लिखने हैं और अच्छी तरह तैयार करने हैं, तो व्हाट्सएप वापस तस्वीर ये करनी है तो हम ये चेक करेंगे क्वेश्चन आंसर की, तो हम ये क्वेश्चन आंसर चेक करेंगे, जो गलती होगी फिर वो आपको बताएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।